आप लोग स्क्रीन पर एक फोटो देख रहे होंगे और मुझे ऐसा लगता है कि आप में से अधिकतर लोग इनके बारे में जानते भी होंगे। फिर चाहे आप लोग इन्हें कि विवादों में रहने के कारण जानते हो या फिर आप लोग बॉलीवुड में अगर मूवियाँ देखते हैं तो बॉलीवुड में काफ़ी अच्छी मूवियाँ इन्होंने दी हुई हैं, काफ़ी अच्छी एक्टिंग की हुई है, तो उसके कारण भी जानते हैं। और इसीलिए आप देखते हैं कि इनकी दो तरह की पहचान है। एक तो इन्हें विवादों की रानी कहते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग इनके जो चाहने वाले हैं वो इन्हें बॉलीवुड की रानी भी कहते हैं। और मैं इनका इंटरव्यू कहीं देख रहा था तो वो ये कहती है कि मेरी इच्छा थी डॉक्टर बनना, और आज आप देखिए कि डॉक्टर बनने की इच्छा रखने वाली एक लड़की आज विवादों की रानी किस तरह से बनी हुई है और बॉलीवुड की रानी किस तरह से बनी हुई है। इनका सफर कैसा रहा है इस पर हम लोग एक सामान्य जानकारी देख लेंगे। और आप देखिए कि इनके विवादों में रहने के कारण ही इन्हें VIP सुरक्षा भी मिली हुई है, क्योंकि आप देखिए कि ये ट्विटर हो या इंटरव्यू हो ये हमेशा बयानबाजी करती रहती हैं। और अभी हाल ही में आप देखेंगे आज़ादी को लेकर भी इन्होंने बयानबाजी की हुई है, तो उस पर भी हम लोग विस्तार से बात करेंगे, ठीक है। और आप सभी को मालूम होगा कि इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया है अभी हाल में, तो उसके कारण भी चर्चा में है। तो स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाई दे रही होंगी कौन, कंगना रनौत, ये है आपकी कंगना रनौत। और मेरा ऐसा भी मानना है कि देखिए जब भी देश में इस तरह की कोई हस्ती कोई व्यक्ति चर्चा में रहता है तो उसके बारे में आप लोगों को जान लेना चाहिए। हो सकता है कि परीक्षा आपकी तैयारी कर रहे हैं आप लोग तब भी आपसे कोई क्वेश्चन बन जाए, और वैसे भी आपके देश में रह रही हैं तो आपको मालूम भी तो रहना चाहिए। तो ये आप देखेंगे इनकी अगर हम लोग वास्तविक नाम की बात करें तो कंगना अमरदीप रनौत इनका नाम है, और उपनाम ऐसा होता है कि आप देखते हैं कि आपके घर में कोई और नाम होता है, आपके दोस्त किसी और नाम से बुलाते हैं, और आप देखते हैं रियल नाम आपका कुछ और होता है। तो इनके उपनाम की बात करें तो कंगना रनावत इनका नाम उपनाम है, अरशद इनका उपनाम है, OTA यानी कि वन टेक एक्टर इनका उपनाम है। इनके जन्म तारीख की बात करें तो 23 मार्च 1987 को इनका जन्म होता है, कहाँ, भामला हिमाचल प्रदेश में। अब आप में से अधिकतर लोग कहेंगे कि हिमाचल प्रदेश को भी दिखा दीजिए, तो आप लोग देखिए आप लोग जब मैप में देखेंगे तो यहाँ पंजाब उत्तराखंड जम्मू कश्मीर और लद्दाख यहाँ आपको बीच में देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश। और इसकी राजधानी की बात करें तो आप सभी जानते हैं क्या है, शिमला है। और आप सभी लोगों ने मुझे लगता है कई लोग ने हिमाचल प्रदेश घूमने भी जाते होंगे, काफ़ी अच्छा घूमने लायक जगह है यहाँ, ठीक है। और दूसरी राजधानी इसकी धर्मशाला भी है। और आपको बता दूं कि इसका गठन, राज्य का गठन कब हुआ था, 25 जनवरी 1971 को। और आपको बता दूं कि विधानसभा यहाँ 68 सीटें हैं विधानसभा में, और राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं। और इसकी देखिए आप लोग इसकी सीमा किससे लगती है, तिब्बत वाले हिस्से से, चाइना से इसकी सीमा लगती है। और अगर हम लोग इनके पिता की बात करें, कंगना के पिता की बात करें तो अमरदीप रनावत इनके पिता का नाम, माता की बात करें तो आशा रनावत इनकी माता का नाम, और पति की बात करें तो आप देखिए अविवाहित हैं, लेकिन इनसे जुड़ी कई कहानियां हैं, लव स्टोरी इनकी कह सकते हैं आप लोग, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे आगे चल के। और इनके भाई की बात करें तो अक्षत रनावत इनकी भाई का नाम, और बहन की बात करें तो रंगोली रनावत इनकी बहन का नाम है। और इनकी शिक्षा की बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा DAV स्कूल चंडीगढ़ से होती है, और आगे की शिक्षा की बात करें तो इलाइट स्कूल ऑफ मॉडलिंग से इन्होंने मॉडलिंग यानी कि एक्टिंग की शिक्षा ली हुई है। और व्यवसाय की बात करें तो आप सभी जानते हैं अभिनेत्री हैं यानी कि एक्ट्रेस हैं यानी कि मूवियों में रोल करती हैं। और इनके शौक की बात करें तो खाना बनाना, पढ़ना, लेखन और योग करना, और लेखन तो मैं भी मानता हूँ क्योंकि आप देखिए ट्विटर पर इस तरह की बातें कर देती हैं कि आप देखते हैं बवाल मच जाता है। अब बात आती है करियर की, यानी कि इन्होंने मूवियों में किस तरह से करियर बनाया हुआ है। तो कंगना ने फिल्मों में आने के लिए कई संघर्षों का सामना भी किया हुआ है, और इन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़कर मॉडलिंग की शुरुआत की, फिर 2006 में फिल्म गैंगस्टर में अपना डेब्यू किया, यानी कि पहली मूवी इनकी 2006 में आई हुई थी, कौन सी थी, गैंगस्टर। और इस फिल्म में इनका अभिनय देखकर इन्हें काफी प्रशंसा भी प्राप्त हुई थी, और इस फिल्म के बाद इन्होंने कई फिल्मों के ऑफर भी मिलने लगे, और इन्होंने कई फिल्मों में काम भी किया, और हर फिल्म में इन्होंने एक चुनौती भरा किरदार निभाया। और इसकी अभिनय की प्रशंसा बॉलीवुड में हर कोई करता है, और आप लोगों को इसलिए कहता हूं
कि इन्हें बॉलीवुड की रानी भी कहा जाता है, इनके काम के कारण, इनकी एक्टिंग के कारण, ठीक है। और इनकी कुछ मूवियों को अगर हम आप लोग देखें, सोची तो 2006 में आप सभी को मालूम है कि गैंगस्टर आई हुई थी, और आपको आपकी अगर फेवरेट है तो आप में से अधिकतर लोग देखते भी होंगे इन्हें। तो इन्होंने रोल निभाया था सिमरन का। किसका? सिमरन का। और इस मूवी के निर्देशक थे अनुराग बसु। फिर आप देखेंगे 2006 में ही इनकी एक मूवी आई थी वो लम्हे, और इसमें इन्होंने मूवी में किसका रोल निभाया था? सना आजिम का। और इस मूवी के निर्देशक कौन थी? मोहित सूरी। फिर आप देखेंगे 2007 में इनकी साका लाका बूम बूम ये मूवी आई हुई थी, और इसके इसमें रोल निभाया था रूही का, और इसके निर्देशक कौन थे? सुनील दर्शन। फिर आप देखेंगे 2007 में ही इनकी एक मूवी आई थी लाइफ इन आ मेट्रो, और इसमें इन्होंने अभिनय किसका रोल निभाया था? नेहा का। और इस मूवी के निर्देशक की बात करें तो अनुराग बसु इस मूवी के निर्देशक थे। फिर आप देखेंगे 2008 में धाम धूम मूवी आती है, और इसमें इन्होंने निभाया था रोल किसका? सैन बाग का। और इसके निर्देशक की बात करें तो जीवा जीवा इनके इस मूवी के निर्देशक थे। फिर आप देखेंगे 2008 में इनकी मूवी आई थी फैशन, और इसमें इन्होंने निभाया था रोल किसका? सोनाली गुजराल। और आपको बता दूं कि इसके निर्देशक थे इस मूवी की मधुर भंडारकर। फिर आप देखेंगे 2009 में इनकी राज दी मिस्ट्री कंटिन्यूज, इसमें इन्होंने रोल निभाया था नंदिता चोपड़ा, और इसके निर्देशक थे मोहित सूरी। 2009 में इनकी वादा रहा एक मूवी आई थी, और इसमें इन्होंने पूजा का रोल निभाया था, और समीर कार्णिक कार्णिक इनके इस मूवी के निर्देशक थे। फिर आप देखेंगे 2009 में एक निरंजन मूवी आई हुई थी, और इसमें इन्होंने समीरा का रोल निभाया हुआ था, और इसके निर्देशक कौन थे? पुरी जगन्नाथ, ठीक है। फिर आप देखेंगे 2010 में एक मूवी आई थी काइटस, और जीना ग्रोवर का इन्होंने रोल निभाया हुआ था, और अनुराग बसु इसके कौन थे? निर्देशक थे। फिर आप देखेंगे 2010 में नॉकआउट आई थी मूवी, और निधि श्रीवास्तव का रोल निभाया हुआ था, मणिशंकर इसके निर्देशक थे। 2010 में ही आप देखेंगे नो प्रॉब्लम आई हुई थी, और संजना का रोल निभाया हुआ था इन्होंने, और अनीस बज्मी इसके निर्देशक थे। फिर आप देखेंगे 2011 में तनु वेड्स मनु मूवी आई हुई थी, और इन्होंने तनुजा तनु द्विवेदी का रोल निभाया हुआ था, और इस मूवी के निर्देशक कौन थे? आनंद एल राय। फिर आप देखेंगे 2011 में एक मूवी आई हुई थी गेम, इसमें इन्होंने सिया अग्निहोत्री अग्निहोत्री का रोल निभाया था, और इस मूवी के निर्देशक की बात करें तो अभिनव देव थे। 2011 में ही रेडी मूवी आई हुई थी, इसमें इन्होंने किरण का रोल निभाया हुआ था, और अनीस बज्मी इसके निर्देशक थे। 2011 में ही आप देखेंगे डबल धमाल आई थी मूवी, और इसमें किया का रोल निभाया था, और इसके निर्देशक थे इंद कुमार, ठीक है। और 2011 में ही आप देखेंगे रास्कल्स आई थी मूवी, इसमें खुशी का रोल निभाया था, और डेविड धवन इसके कौन थे? निर्देशक। 2011 में ही आप देखेंगे मिले ना मिले हम एक मूवी आई हुई थी, और अनुष्का श्रीवास्तव का इन्होंने रोल निभाया हुआ था, तनवीर खान ने इस मूवी को निर्देशित किया था। और 2012 में आप देखेंगे तेज मूवी आई थी, निकिता मल्होत्रा बनी हुई थी, और प्रियदर्शन ने इस मूवी का निर्देशक थे। 2013 में आप देखेंगे शूट आउट एट वडाला मूवी आई हुई थी, और इसमें विद्या जोशी बनी हुई थी, और इस मूवी के निर्देशक की बात करें तो संजय गुप्ता थे। 2013 में आपने देखा होगा क्रश 3 आई हुई थी, और इस मूवी में इन्होंने काया का रोल निभाया था, और राकेश रोशन इसके मूवी के निर्देशक थे। 2013 में रज्जो मूवी आई हुई थी, इन्होंने रज्जो का रोल निभाया हुआ था, विश्वास पाटिल इसके निर्देशक थे इस मूवी के। 2014 में क्वीन मूवी आई थी, रानी मेहरा का रोल निभाया हुआ था, विकास बहल इस मूवी के निर्देशक थे। और आपको बता दूं 2014 में रिवॉल्वर रानी आई हुई थी, अलका सिंह का इन्होंने रोल निभाया था, और साईं कबीर ने इस मूवी को निर्देशित किया हुआ था। 2014 में उंगली मूवी आई हुई थी, और माया का रोल निभाया हुआ था इन्होंने, रेंसिल डिसिल्वा इसके निर्देशक थे इस मूवी के। 2015 में आप देखेंगे तनु वेड्स मनु रिटर्न्स आई हुई थी, और कुसुम दत्तो तनुजा तनु इसमें इन्होंने रोल किया हुआ था, और आनंद एल रॉय इस राय इस मूवी के निर्देशक थे। 2015 में आप देखेंगे कट्टी बट्टी एक मूवी आई हुई थी, और पायल का रोल निभाया हुआ था इन्होंने, और इसके निर्देशक की बात करें तो निखिल आनवानी इसके निर्देशक थे।
2017 में आप देखेंगे रंगून मूवी आई हुई थी, जूलिया का रोल निभाया हुआ था और विशाल भारद्वाज इस मूवी के निर्देशक थे। 2017 में आपने देखा होगा सिमरन मूवी आई हुई थी, प्रफुल्ल पटेल और हंसला मेहता इसके कौन थे निर्देशक। 2018 में आप देखेंगे मणिकर्णिका दी क्वीन ऑफ झांसी यानी कि झांसी की रानी के नाम पर एक मूवी बनाई गई थी, तो इसमें इन्होंने झांसी की रानी का रोल निभाया हुआ था, किसने, कंगना रनौत ने, ठीक है। और उसके बाद आप देखेंगे 2019 में जजमेंटल है क्या ये मूवी आई हुई थी और बॉबी ग्वाल इस मूवी में रोल निभाया हुआ था, त्रिकास कोवेला मोदी इसके निर्देशक थे। और 2020 में आप देखेंगे पंगा मूवी आई हुई थी, जया निगम का रोल निभाया हुआ था, अश्विनी अय्यर तिवारी इस मूवी के निर्देशक थे, क्या थे, डायरेक्टर यानी कि निर्देशक थे। तो इनकी कुछ महत्वपूर्ण मूवियां हैं और जिसके कारण आप इन्हें जानते हैं और इसी के कारण आप देखेंगे इन्हें बॉलीवुड की रानी कहा जाता है, इनके काम के कारण और इन्हीं कामों की वजह से इन्हें पुरस्कार भी दिए गए। कौन कौन से पुरस्कार मिले हुए हैं उन्हें भी आप लोग देख लीजिए। 2006 में फिल्म गैंगस्टर के लिए बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवार्ड मिला था, यानी कि जो इन्होंने पहली मूवी दी हुई थी और परफेक्ट मूवी रही थी और इसी के कारण इन्हें अवार्ड मिला था। फिर आप देखेंगे 2008 में फिल्म फैशन के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर्स का अवार्ड मिला था इन्हें। 2014 में आप देखेंगे फिल्म क्वीन के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। फिर आप देखेंगे 2015 में फिल्म तनु वेड्स मनु रिटर्न्स के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। 2016 में आप देखेंगे कंगना रनौत का CNN IVN इंडियन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। 2019 में कंगना रनौत को आप देखेंगे 67वें फिल्म पुरस्कार हेतु मणिकर्णिका और पंगा फिल्म के लिए कंगना रनौत को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया था, तो काफी अच्छी मूवियां दी हुई है। और 2021 में आप सभी को मालूम है कि पद्मश्री सम्मान दिया गया और जो आप सभी जानते हैं कि भारतीय गणराज्य का यानी कि भारत का चौथा सर्वोच्च यानी कि सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है, ठीक है, तो इसी की बात कर रहा हूं। अब देखिए आपसे कहा था कंगना रनौत से जुड़ी कई कहानियां भी हैं यानी कि इनकी लव लाइफ से जुड़ी हुई है, तो एक आदित्य पंचोली से जुड़ी हुई इनकी एक स्टोरी है और कहा जाता है कि आदित्य पंचोली से कंगना का अफेयर तब हुआ था जब कंगना अपने कदम फिल्म जगत में जमाने की शुरुआत की थी और तब इनके रिश्ते की शुरुआत हुई थी। इनकी उम्र में 20 साल का फासला था, फिर भी इनका अफेयर रहा और आदित्य ने कहते हैं कि इन्हें एक घर भी तोहफे में दिया हुआ था, लेकिन इनका रिश्ता कुछ समय बाद खत्म हो जाता है। और एक बात आपको फिर भी बता देता हूँ, अनूप जलोटा देख लीजिए आप लोग, और मुझे नहीं लगता है कि फिल्मी दुनिया में कोई एज का कोई मायने रखती है, हम आप मीडियम परिवार से संबंध रखते हैं इसलिए मुझे लगता है एज मायने रखती है, वरना आप कई लोगों को जानते होंगे, कई लड़कियों को देख लीजिए आप लोग, छोटी हैं एज में फिर बड़े से शादी कर ली, या आप देखिए बड़ा है लड़का छोटी कई साल छोटी लड़की से शादी कर ली, तो ये चलता रहता है। एक आप देखेंगे अध्ययन सुमन, इनसे भी इनका काफी नाम जुड़ा रहा है, आदित्य के बाद इनका नाम अध्ययन के साथ जुड़ा जो शेखर सुमन के पुत्र थे, और शेखर ने अपने बेटे को करियर पर ध्यान देने के लिए कहा, कुछ ही समय में इनका रिश्ता खत्म हो जाता है। फिर आप देखेंगे अजय देवगन, वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई फिल्म में कंगना और अजय ने साथ में काम किया हुआ था और इस फिल्म के समय इनकी दोस्ती हुई और अफेयर की बात होने लगी, लेकिन अजय कभी भी काजोल को छोड़ने के बारे में नहीं सोच सकते और इसलिए इनका रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया। फिर आप देखेंगे निकोलस लाफर्टी, ये ब्रिटिश से डॉक्टर हैं और कई बार मुंबई आते रहते हैं, इन्हें कई बार साथ में भी देखा गया इसलिए इनकी अफेयर की बातें भी टाउन में सुनाई देने लगी थी, ठीक है, किसकी, कंगना रनौत की। फिर आप देखेंगे ऋतिक रोशन और सुजैन खान का जब तलाक हो रहा था तब कंगना और ऋतिक अच्छे दोस्त बन गए थे और उस समय ये दोनों क्रिश 3 की शूटिंग कर रहे थे, लेकिन आपको बता दूं कि ऋतिक इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और उन्होंने इस तरह के किसी भी रिश्ते को साफ इनकार भी किया था और इनको लेकर कंगना ने आपकी अदालत में काफी कुछ कहा हुआ था। आप देखते हैं रजत शर्मा आपकी अदालत, तो उस पर भी इनका इंटरव्यू है, किसका, कंगना रनौत का, तो वहां भी जाकर आप लोग देखिएगा। अब आप देखिए कंगना रनौत की सुरक्षा को लेकर काफी आप देखते हैं कि बवाल खड़ा हो जाता है, कई लोग आलोचना करते रहते हैं इस सुरक्षा को देने के कारण सरकार की, कई लोग तारीफ भी करते हैं, तो इसमें आप लोगों को एक ग्राउंड दिखाई भी दे रहा होगा सुरक्षा का। तो बॉलीवुड बॉलीवुड अभिनेत्री
कंगना रनौत को शिवसेना नेता संजय राउत के साथ हुए उनके विवाद के बाद गृह मंत्रालय यानी कि आप देखिए केंद्र सरकार की तरफ से एनएससी आरपीएफ सुरक्षा की 22+ श्रेणी प्रदान की गई है और उन्होंने कहा कि उनको दूसरे लोगों से खतरा है। और आपको बता दूं कि 11 कमांडो को कंगना रनौत की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया है और 2 कमांडो उसे मोबाइल सुरक्षा प्रदान करेंगे और जबकि एक देश भर में हर समय उनके घर की सुरक्षा करेगा। और आपको बता दूं ऐसा कहते हैं लोग कि इनकी भक्ति के कारण यानी कि बीजेपी की सपोर्ट करती रहती है हमेशा बीजेपी के पक्ष में रहती है और इसी का उन्हें इनाम मिला हुआ है सुरक्षा के रूप में या फिर देखिए आप लोग अवार्ड के रूप में ऐसे लोगों का कहना है। ठीक है अब आप क्या सोचते हैं आप ही बताइएगा। और जब किसी जाने माने व्यक्ति को धमकी दी जाती है और उसके जीवन के लिए खतरा रहता है तो उसे केंद्र सरकार की तरफ से इस तरह की सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है। ठीक आप देखते हैं कई नेताओं को भी इस तरह की सुरक्षा मिलती है कई अधिकारियों को भी। अब देखिए विवादों में रहने के कारण विवादों की रानी इनका नाम पड़ गया है। तो किस कारण पड़ गया कौन कौन से विवाद रहे चलिए उन पर एक एक करके हम लोग नजर डाल देते हैं। कंगना ने मुंबई को बताया था पीओके। ये पीओके कौन है आपको बता दूं पाकिस्तान के कब्जे में जो भारत की भूमि है उसे पीओके कहते हैं। ठीक है और हाल ही में कंगना रनौत और शिवसेना सांसद संजय राउत के बीच काफी बहस भी हुई थी और उनके बीच का विवाद अभी भी थमा नहीं है लेकिन ये बहस तब और गर्म हो गई जब उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा कि संजय राउत मुझे मुंबई ना आने की धमकी दे रहे हैं और पहले मुंबई की सड़कों में जहां आजादी के खुले आम नारे लगते थे वहीं अब धमकियां मिल रही हैं और इससे लग रहा है कि मुंबई भी पीओके का हिस्सा हो गया है। यानी कि सीधा से कहने का मतलब है कि मुंबई की तुलना कंगना रनौत ने पीओके वाले हिस्से से की हुई थी जो पाकिस्तान के कब्जे में है और इसी को लेकर आपने देखा है कई लोगों ने इनकी आलोचना भी की हुई थी। फिर आप देखिए कंगना रनौत ने ड्रग्स पर एक विवादित बयान भी दिया हुआ था इसके कारण भी ये चर्चा में रही थी। यही नहीं इसके अलावा भी स्टार यानी कि कंगना रनौत को बॉलीवुड की स्टार्स की नाराजगी का सामना भी करना पड़ा था। जब आपने देखा होगा कि सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड कर लेते हैं आत्महत्या कर लेते हैं उसके बाद आप देखिए ड्रग्स का मामला बॉलीवुड में काफी उभर के आता है। तो सुशांत राजपूत केस की जांच के दौरान ड्रग्स केस के मामले में अपने एक बयान में ट्वीट कर कहा कि बॉलीवुड में 99% ड्रग्स का सेवन करते हैं। ये किसने ट्वीट किया हुआ था कंगना रनौत ने किया हुआ था। यदि इन सभी स्टार्स का टेस्ट लिया जाए तो सभी जेल में मिलेंगे और उनके इस बयान के बाद बॉलीवुड के पूरा तबका कंगना के बयान के विरुद्ध खड़ा हो गया था। कई लोग तो उन्हें राजनीति ज्वाइन करने या फिर झूठा होने का भी आरोप लगा रहे थे। जब आप देखिए किसी एक पार्टी की तरफ बयानबाजी करने लगे किसी एक पार्टी की तरफ झुकाव कर लें तो ये मान लिया जाता है कि आप उस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए एक नेपोटिज्म में क्या होता है एक तरह से आप देखिए भाई भतीजावाद यानी कि आप राजनीति में एक शब्द यूज करते हैं परिवारवाद यानी कि बाप के बाद बेटा बेटा के बाद बेटा इस तरह की देखते हैं ना आप लोग कई आप अपने राजनेताओं को देख लीजिए यानी कि परिवार में ही राजनीति समझ के रह जाती है। तो उसी तरह आप देख सकते हैं मूवियों में भी यही एक तरह से आरोप लगते रहे। सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या के बाद से नेपोटिज्म को लेकर सोशल मीडिया पर यह मुद्दा जनता के बीच एक आग की तरह फैल गया था और लोगों ने नेपोटिज्म फैलाने वाले स्टार्स की कड़ी खिंचाई भी की थी लेकिन इस टॉपिक को चर्चा में लाने का श्रेय कंगना को ही जाता है और उन्होंने कई बार कुछ बॉलीवुड स्टार्स पर नेपोटिज्म फैलाने का आरोप लगाकर उन पर सीधा हमला भी किया हुआ था और इसके लिए करण जौहर को नेपोटिज्म का प्रतीक मानते हैं। और इसके अलावा आप देखेंगे बॉलीवुड के अन्य दिग्गज कलाकार जैसे महेश भट्ट हो गए स्टार किड्स को लेकर भी वह विवादित बयान दे चुकी हैं। कौन कंगना रनौत की बात कर रहा हूं और आगे देखेंगे आप लोग कंगना रनौत ने कई मौकों पर बॉलीवुड की एक तबके को काफी नीचा भी दिखाया हुआ है। कभी भी नेपोटिज्म के नाम पर करण जौहर पर निशाना साधती हैं तो कभी दूसरे सेलेब्स यानी कि सेलिब्रिटी को पर चुप्पी पर भी हमला करती हैं और ऐसा कुछ हुआ था तापसी और सुरा भास्कर को भी आप जानते होंगे। साथ जब देश में सुशांत की मौत के बाद नेपोटिज्म पर डिबेट तेज हो गई तो उस समय कंगना ने एक इंटरव्यू में तापसी सुरा को भी बी ग्रेड एक्ट्रेस बता दिया था और उनका वो बयान खूब वायरल भी हुआ था और तापसी ने भी आप देखेंगे कंगना पर हमला बोलते हुए कहा था लगता है फिर ग्रेड सिस्टम शुरू हो गया है। तो
तो आप देखिए राजनीति पर, आप देखते हैं ना कि एक आरोप लगते रहते हैं, बयानबाजी होती रहती है, एक दूसरे को गरियाते रहते हैं, आप यही कह सकते हैं। तो ये मूवियों में भी आप देखिए कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि वहां भी एक तरह से इस तरह की खाई बनी हुई है कि ये पार्टी का इस पक्ष का है ये। ठीक, अभी आप देखेंगे टीवी चैनल पर इन्होंने इंटरव्यू दिया हुआ है और कंगना रनौत ने भारत की आजादी को लेकर बेहद विवादित बयान भी दिया हुआ है, और आपको बता दूं इसको लेकर देश भर में नाराजगी है और इनकी आलोचना की जा रही है। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने क्या कहा है, भारत को 2014 में आजादी मिली और 1947 में जो मिला था वह भिक्षा थी, यानी कि 1947 में जो हमें आजादी मिली थी वो भीख थी। और आप देखिए इनके बयान को एक तरह से आप देखिए, कोई मुझे नहीं लगता है कि कोई इनके बयान की सपोर्ट करेगा, क्योंकि भगत सिंह हो, सुखदेव हो, राजगुरु हो, आप देखिए इनकी बलिदानी दी हुई है, इनकी जान गई हुई है। रानी लक्ष्मीबाई जिसका इन्होंने रोल निभाया हुआ है, क्या इनकी आप देखिए कि जान जो गई हुई है, आजाद हुए एक तरह से शहीद हुए, तो इनकी आपने ये मान लिया है कि इनके शहीदी एक तरह से बेकार है। और आप सोचिए कि अगर उनकी आत्मा ऊपर होगी तो कितना दुख हुआ होगा उसको। आप देखिए इस आजादी को पाने के लिए हमारे हजारों लाखों शहीद हुए हैं लोग, लाठी खानी पड़ी, गोले खाने पड़े, बंदूक खाने पड़े, क्या क्या नहीं करना पड़ा। और 2014 इनका कहने का मतलब ये है कि आप सभी जानते हैं कि 2014 में बीजेपी सत्ता में आई हुई थी, प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हुए थे, और ये काफी सपोर्टर भी है बीजेपी की, आप सभी जान भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, तो इनकी भक्ति के कारण ही इनकी आलोचना काफी हो रही है। और मुझे लगता है कि आप किसी पार्टी विशेष की आलोचना करें, किसी व्यक्ति की आलोचना करें, लेकिन जो इस देश को छोड़कर चले गए हैं, कई लोग शहीद हुए हैं, अगर उनकी आलोचना करते हैं तो मुझे लगता है कि ये तो बेहतर नहीं है। या फिर आप लोग कह सकते हैं कि इन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा हुआ है, इन्हें इतिहास पढ़ लेना चाहिए, किन कन का योगदान रहा है देश को ये आजाद कराने में, वो इन्हें बेहतर मालूम चल जाएगा। और आप देखिए अभी काफी सफाई भी दी जा रही है पार्टियों की तरफ से, तो खैर यही है, कोई विवादों की रानी कह लीजिए या बॉलीवुड की रानी की कहानी। ठीक है, और भी बताइए किसी के बारे में हमें बात करनी हो तो करेंगे, हम लोग जरूर बात करेंगे। ठीक है।